हमारे देश में एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यदि कल को लड़का या लड़की यह कहने लगे कि हमारी शादी हुई नहीं, किसी चीज को देख पाने में समर्थ हो, किसी चीज को सुन पाने में समर्थ हो और एक्सप्रेस कर पाने में समर्थ हो, जो भी एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, उनके निवास से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हो, जैसे आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ये जरूर सोचा होगा कि मुझे अपने दोस्त के कोर्ट मैरिज में जाना है और देखना है कि कोर्ट मैरिज कैसे होता है और विटनेस भी बनना है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि यदि कोर्ट मैरिज होता है और आप उसमें विटनेस बन जाते हैं तो हमारे जो कानून है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में आप सब कुछ जान पाएंगे। तो रोल ऑफ विटनेस क्या है कोर्ट मैरिज में, आप इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट ही एक्सप्लेन करता है विटनेस के बारे में। इसका जो सेक्शन 118 से 134 है वो एक्सप्लेन करता है विटनेस के बारे में कि कौन विटनेस हो सकते हैं, कौन विटनेस नहीं हो सकते हैं। इसका एक सामान्य प्रक्रिया है कि विटनेस वो व्यक्ति बन सकते हैं जो किसी चीज को देख पाने में समर्थ हो, किसी चीज को सुन पाने में समर्थ हो और एक्सप्रेस कर पाने में समर्थ हो, अपनी सहमति फ्रीली दे पाने में सहमत हो, वही व्यक्ति विटनेस बन सकते हैं। इसके लिए उनके डॉक्यूमेंट्स लगने जरूरी होते हैं, जैसे उनका जो भी एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, उनके निवास से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हो, जैसे आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वो लोग किसी भी शादी के अंदर कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन में विटनेस बन सकते हैं। हमारे एक दर्शक ने इसमें एक सवाल भी पूछा है, मैं पहले उनका सवाल भी ले लेता हूँ फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ। हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा था कि मैं एक शादी में झूठा गवाह बन गया, यानी कि वो एक ऐसे शादी के अंदर गवाह बन गए थे जिसमें लड़की की एज कम थी, तो उस शादी में गवाह बनने से क्या उनके ऊपर कोई खतरा हो गया। यह मामला जो है हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट में जाने के बाद से आपको यह बता दूं कि जिन्होंने शादी कराई थी, जिन पंडित जी ने शादी कराई थी और जो गवाह बने थे, उन दोनों के ऊपर मुकदमा रजिस्टर्ड हो गया था। सेक्शन 118 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो यही कहता है कि यदि आप किसी भी कार्य में, अगर मान लीजिए कि आप गवाह बन जाते हैं तो आप उसके एक तरीके से भागीदार भी बन जाते हैं। और आईपीसी का सेक्शन है 34 जो यह कहता है कि अगर आप किसी अपराध के होने में शामिल हो जाते हैं, जैसे कम एज में शादी करना एक अपराध है और आप विटनेस बनकर उसमें शामिल हो गए, अगर आप शामिल हो जाते हैं तो आपको भी सजा मिल सकती है अंडर आईपीसी सेक्शन 34। तो ये आपको एक तरीके से क्लियरिटी हो गई। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, मान लीजिए लड़का और लड़की बालिग है और आप उनके दोस्त हैं, आप उसमें गवाह बनते हैं, तो क्या हो सकता है, आपको मैं 2-3 सिनेरियो बताऊंगा, उससे पता चलेगा। सबसे पहला चीज कि विटनेस बनने का मतलब यह है कि आपने अपनी आंखों से शादी को देखा। यदि कल को लड़का या लड़की यह कहने लगे कि हमारी शादी हुई नहीं, या जो आर्य समाज या जो भी मंदिर है या जो जिसने भी शादी कराई है वो ये कहने लगे कि हमने शादी नहीं कराई, उस वक्त विटनेस का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोर्ट विटनेस को बुलाती है और पूछती है कि क्या आपने अपनी आंखों के सामने शादी को होते हुए देखा है। अगर आपने बोला कि हाँ आपने देखा है तो आपके विटनेस को सच माना जाएगा और शादी को भी वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आप विटनेस बने हुए हैं और आपने मना कर दिया कि शादी नहीं हुई थी, तो कोर्ट उस बात को भी मानेगी कि शादी नहीं हुई और शादी को इनवैलिड भी कर सकती है। तो ये तो हो गया 2 सिनेरियो। लेकिन विटनेस का जो नाम और पता होता है वो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आता है। मैरिज सर्टिफिकेट पे जैसे ही विटनेस का नाम आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि शादी होने के बाद से जब कपल अपने मैरिज सर्टिफिकेट को पुलिस थाने भेजेंगे या लड़की के घर पे भेजेंगे, उन दोनों ही परिस्थितियों में उस शादी में विटनेस कौन था वो आराम से घर वालों को मालूम चल जाएगा या पुलिस को मालूम चल जाएगा। तो उस परिस्थिति में पुलिस या घर वाले आपको बुला सकते हैं, बुला के पूछताछ कर सकते हैं, आपके ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। लेकिन आप सही मायने में अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आप विटनेस बन सकते हैं। इसमें कोई कानूनी रूप से आपको परेशान नहीं कर सकता, आपके ऊपर दबाव डाल सकता है, लेकिन अगर आप समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उस दबाव को हैंडल भी कर सकते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि शादी या विटनेस बनने से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार के सलाह की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8800444455। आप इस नंबर पे 7 दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे,
के बीच में कॉल करिए, हमारे प्रतिनिधि फोन को उठाएंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी तरीके के अनेक वीडियोज, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो मैरिज के ऊपर चल रहा है, अनेक वीडियोज अलग अलग लीगल विषयों पर आता है। अगर आप ऐसे ही विषय पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तत्काल नोटिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।